चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, पजल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। और पजल्स के जब भी क्वेश्चन आए तो बी रिमेम्बर कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड प्रॉपर करिए, एक डायग्राम बनाइए। जैसे ये ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है तो ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है मतलब आपको एक फैमिली ट्री बनानी, और वो फैमिली ट्री अगर राइट बनी तो सारे क्वेश्चन राइट होंगे, कहीं गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ हो जाएंगे। तो पहला रूल ये होता है कि क्वेश्चन बाद में करिए, अक्सर 3 4 5 क्वेश्चन लिंक होते हैं तो काफी बड़े मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, तो आप ऐसे में टाइम दीजिए, स्टेटमेंट को प्रॉपर पढ़िए, 1 2 टाइम पढ़िए, रफ डायग्राम बनाइए, मिस्टेक हो रही है फिर रीड करिए, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे अगर इसमें देखें तो अब यहां पे बोला ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली, यानी 6 फैमिली में मेंबर हैं। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ठीक है, एफ जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, ई की। मान लो मैं यहां पर ई को लू तो यहां पर ग्रैंड डॉटर की बात कर सकता हूं जो कि एफ है, और ग्रैंड डॉटर की बात कर रहे हैं तो फीमेल होगी, अक्सर फीमेल के लिए हम निगेटिव साइन यूज कर लेते हैं। एक बीच में कहीं ना कहीं जनरेशन रहेगी इधर, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला सुनते चलिए, डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम ए को भी ले सकते हैं, और बोला है कि डी डी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, ए की, ये भी हम समझ लें, ये हो गया। तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ये ब्रदर सिस्टर होंगे, ये ग्रैंड मदर है तो ये फीमेल हो गई, ये मेल मेंबर हो गया। अब पढ़ते चलते हैं, सी इज मदर ऑफ एफ एंड वाइफ ऑफ बी, बी इज मदर इज डी, बी की जो मदर है वो डी है, तो बी यहां ले लेते हैं, ये बी हो गया, बी की मदर डी है, और ऐसा मान सकते हैं कि ये तो इधर इधर की इधर ही आ गया, ऐसा भी ले सकते हैं, राइट, ये ऐसा भी मान सकते हैं एफ, यानी इधर ही इसी ट्री की बात कर सकते हैं एफ, अब उसकी अलग से जरूरत नहीं है। आप पढ़ो यहां पर, सी इज मदर ऑफ एफ एंड वाइफ ऑफ बी, तो सी यहां पे भी ले सकते हो, और वाइफ ऑफ बी भी हो गई और मदर ऑफ एफ हो गई, ये बन गया पूरा ट्री। अब देयर इज टू मैरिड कपल, ये भी मिल गया, ये मैरिड कपल हो गया, सी इज अ मदर ऑफ एफ, तो सी फीमेल हो गई, ये मेल मेंबर हो गया, यहां पर ये फीमेल मेंबर हो गई, बट एफ नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है, इससे काउंटिंग में दिक्कत आ सकती है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि डी और ई जो है वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है किसके, ए और एफ के, तो आपस में मैरिड कपल भी होगा, ये बन गया। बी जो है बी की मदर डी है, तो इसका मतलब बी बेटा हो गया इनका, और बी की वाइफ जो है वो सी है, और सी के या बी के ये दोनों बच्चे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली बता सकते हैं, तो देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, तो आप इस पे श्योर हो मेल है, इस पे श्योर हो मेल है, पर इस पे श्योर नहीं हो, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो हम यहां पर काउंट नहीं कर सकते, तो हम बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। फिर बोला व्हाट इज सी रिलेटेड रिलेशन विथ ए, सी का रिलेशन ए से क्या है, तो ऑब्वियसली सी क्या है, मदर है। सी व्हाट इज सी रिलेशन विथ ए, फिर बात कर रहे हैं टेक आउट द ट्रू स्टेटमेंट, ए सिस्टर ऑफ एफ, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, ए इज एफ ब्रदर, डी हैज टू ग्रैंड सन, नहीं नन ऑफ दीज। एक्चुअल में हमें एफ का जेंडर नहीं पता होने से हमें नहीं पता है कि ब्रदर सिस्टर हैं कि दोनों सिस्टर हैं, और इनके दो ग्रैंड सन हैं कि नहीं ये भी नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता एक फीमेल है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, तो मैरिड कपल में डी ई है और बीसी है, अब जो हो वो ले लो, तो डी दिया तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, नोट कर लीजिए।